Carrying on with the philosophy of unschooling, the other important name that we see is of the Howard Gardners. Howard Gardner was born in 1943. He was an American developmental psychologist, and his major contribution was the theory of multiple intelligences. Abya Yibat कि हॉवर्ड गार्डनर का जो बैकग्राउंड है वो एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट यानी نفسیات के ऐसे माहिर जो कि डेवलपमेंटल स्टेजेस में ह्यूमन बीइंग्स और को स्टडी करते हैं एंड देन थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस यानी जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही अपने एरिया में वो ये थी कि ذہانت जुमला एकسام की है ना कि एक तरह की गार्डनर हिमसेल्फ डजंट प्रोक्लेम टू बी अ डाई हार्ड अनस्कूलर यानी हॉवर्ड गार्डनर का खुद से यह ख्याल नहीं है और ना ही उन्होंने इस बात को क्लेम किया कि वो अनस्कूलर या अनस्कूलिंग फिलॉसफी में बिलीव रखते हैं हाउ एवर हिज थी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दैट स्कूल आर अनएबल टू केटर टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। लेकिन उनकी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इस बात पे जोर देती है कि स्कूल इस बात के मुतमल नहीं है कि वो बच्चों की जुमला इकसाम की जहानत को और उसकी जो नीड्स हैं उनको केटर कर सकें तो फिर इस प्रस्पेक्टिव में हम उन्हें अनस्कूलिंग फिलॉसफी के साथ रिलेट करते हैं और उनके काम को अनस्कूलिंग के प्रस्पेक्टिव में देखते हैं थेरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस ह्यूमंस हैव सेवरल डिफरेंट वेज ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन यानी इंसानों के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बेशुमार तरीके हैं एंड दीज वेज आर रेलेटिवली इनडिपेंडेंट ऑफ वन एंड अदर और ये जो तरीकाकार हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है अब थेरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस अलाउ करती है इस आइडिया को कि यहाँ पे एक शख्स की तारीफ करने के एक शख्स को डिफाइन करने के एक शख्स को समझने के एक से ज्यादा तरीके मौजूद हैं ना कि एक तरीका मौजूद है सो टू अंडरस्टैंड अ पर्सन

जहीन होने के तौर पे या ज़हीन ना होने के तौर बल्कि ये तो जुमला एक शाम की जहानत है जिसके ऊपर बेशुमार तरीके से उस शख्स को डिफ़ाइन किया जा सकता है और फिर उनका ये कहना है कि कोई भी जो शख्स कोई भी इंसान है उसमें एक यूनिक ब्लेंड एक यूनिक कॉम्बिनेशन मौजूद हैं सब तरह के इंटेलिजेंसेस के सो वो जो इंटेलिजेंस जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंसेस कहते हैं और जुमला इकसाम की जहानत कहते हैं उनका ये कहना है कि वो जुमला इकसाम की जहानत तमाम इंसानों में मौजूद है और फिर हॉबर्ड गार्डनर की जो किताब है क्रिटिसिज्म के ऊपर स्कूल्स के वो है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड हाउ स्कूल शुड टीच वो एक ओपन क्रिटिसिज्म है स्कूल्स के ऊपर जो कि मजीद इस बात के लिए एक एविडेंस है कि वो अनस्कूलिंग फिलासफी की तरफ ही रेफर करते हुए नजर आते हैं अपने कामों में